दोस्तों सर ने हमें स्टेज पे बुलाया है। सर ने स्टेज पे बुलाया और स्टेज पे बुला करके हमें अनुमति दी कि तुम वीडियो बना सकते हो आराम से यहाँ पर। इनमें वो बच्चे भी हैं अदालत में जाएंगे तो ऐसे वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग। सो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। सो दोस्तों आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन डे 25 जनवरी का होता है मेरे ख्याल से, तो अब फरवरी का आज 10 तारीख 10 फरवरी है। चलते हैं जो होता है आपको दिखाते रहेंगे और ब्लॉग में बने रहना पूरे और एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ब्लॉग आपको। गाइस पहुंच चुके हैं अपने स्कूल के बाहर। ये रहे स्कूल के बाहर, एक दोस्त आ रहा है उसका वेट चल रहा है, उसके बाद अंदर चलते हैं। राम राम भैया। राम क्या हाल है भैया, भला इतनी लेट करोगे क्या? ये सीन हो गया यहाँ पे, यू करे बिना ड्रेस के एंट्री नहीं मिलेगी। तुम ड्रेस लेके आए हो, नहीं लेके आए बैग में क्या? फिर ट्राइपॉड है मेरे बैग में। भाई स्कूल में डेकोरेशन चल रही है फुल। सुंदर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। बहुत मेहरबानी करके एंट्री मिल चुकी है हमें। ह्यूमन भाई में एंट्री मिल गई ना प्रिंसिपल। बहुत ज्यादा यहाँ पे आने में दिक्कत हुई है हमें। आपको आवाज नहीं प्रिंसिपल सर से डायरेक्ट बात करिए यहाँ पे अंदर आने के लिए। उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है बना लो वीडियो। हमारे सारे टीचर बैठे हैं इधर और उधर चल रहा है परफॉर्मेंस। भाई गाना गा रहा है ये चर्सी। ये सारे बंदे जो हैं बैक स्टेज खड़े हैं और इन सारों का परफॉर्मेंस आज। तो वो रहा स्टेज पीछे और उधर सारे बच्चे बैठे हैं वहाँ और ये सारे भाई परफॉर्मेंस करने आए हो? परफॉर्मेंस करने आए हो? क्या करोगे भाई? मेंटोर के ऊपर वो है स्पीच। अच्छा मेंटोर के ऊपर स्पीच है। तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन है? दो जने हो? जितने भी हमारे मेहमान आमंत्रित मेहमान हैं, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वेरी गुड, हम करेंगे, हम करेंगे। मैम का स्वागत होते हुए। डीडी मैडम है हमारी नॉर्थ ईस्ट की एजुकेशन डायरेक्टर। एजुकेशन डायरेक्टर ये हमारे पदम सर हैं, ये जो खड़े हैं शॉल पकड़ रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं जिन्हों ये हैं सलीम सर। दोस्तों सर ने हमें स्टेज पे बुलाया है। सर ने हाय हेलो क्या बोलती पब्लिक? दिवांश भाई क्या बोलती पब्लिक? बोलो प्यारे बच्चों,
और जितने भी यहाँ पर अभिभावक कंपनियों के प्रतिनिधि बनेंगे इनमें अदालत में जाएंगे तो ऐसा चिल्लाना नहीं जोड़ा तालियां हमारे एमएलए साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर वन फ्लावर पॉट को समय दिया और हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि आने में आकर अपना उनको उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। ये देखो ये ब्लॉगर है ये ब्लॉगर बनना है भी भाई ब्लॉगर बनना है पांशु भाई बनने तो भाई सभी सभी को बनना भाई क्या हो रहा है दीवार कूद रहा बंद दीवार कूद रहा बंद कर दी चेंज करिए मैडम सभी बच्चे हम क्या कूदेंगे क्लास में भाई गर्मी बहुत हो रही है टीचर्स भी काफी ध्यान दे रहे हैं तो अगले दिन की क्लास भी समझ में आएगी उनसे शेयर कीजिए। सुभान भाई क्या हाल है मेरे भाई ठीक हो तो ये हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत पुराने दोस्त बहुत जिगरी यार मोहम्मद इस्माइल हमारे गजेंद्र सर और ये हमारे नवीन सर सर कैसे हो आप प्रोग्राम कैसा हो रहा सर जबरदस्त एकदम जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है मजा बहुत आ रहा है गर्मी ज्यादा थोड़ी सी ना ये तो मौसम चेंज है तो उससे दिक्कत है। तो गाइस ये हमारे स्कूल में कुछ बंदे जो नेशनल खेले हैं और अवार्ड जीत के ले गए भाई कौन सा क्या खेलो बताओ हमारी जो प्रदर्शनी थी उसको सफल बनाया तो मैं नाम बोलना चाहूंगा श्री पदम सिंह जी श्री जी सी वेला भाई क्या हाल है तेरे बढ़िया भाई बढ़िया ठीक ठाक कैसे परेशान हो रही है तू यार तुम मिले नहीं मेरे को ऐसे परेशान यार इतनी देर आ जा बाहर चल ले परफॉर्मेंस है नीचे घूम रहा है तो गिर गया अपने भाई जिन बच्चे का होने वाला है परफॉर्मेंस और ओए हां भाई लोग क्या हाल है भाई सोशल मीडिया पे एक प्रोग्राम है जो बच्चों ने तैयार किया है मोबाइल के अधिक प्रयोग से क्या क्या नुकसान होते हैं पहली बार हमारा छोटा सा फैन आया भाई क्या कह रहा तू क्या कह रहा तू अरे भैया मेरा तो अच्छा तू लेकर आया होगा इसे हैं सो गाइस मैं हूँ अभी अपने घर पे। सो गाइज जो स्कूल में जो हमको एंट्री मिल नहीं रही थी क्योंकि हम घर के कपड़ों में गए थे हमें पता नहीं था कि हमें ड्रेस में जाना है घर के कपड़ों में जाना है तो हम पिछली बार जैसे हमारे दो साल पहले 9th क्लास में एनुअल फंक्शन डे हुआ था तब तो हम ड्रेस में गए थे लेकिन हमें याद नहीं था तो हम घर के कपड़ों में चले गए लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली। फिर हमने प्रिंसिपल सर से अपने से बात करी उसके बाद हमें एंट्री मिली क्योंकि हमने उन्हें बताया कि हमें यूट्यूब के लिए ब्लॉग बनाते हैं तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें इजाज़त दी अंदर आने के लिए वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद हमें सर ने स्टेज पर बुलाया और स्टेज पर बुला करके हमें अनुमति दी कि तुम वीडियो बना सकते हो आराम से यहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर स्टेज के आसपास घूम घाम कर। ये बहुत बड़ी बात होती है स्टेज के आसपास घूमकर और स्टेज पर चढ़कर वीडियो बनाने क्योंकि हर किसी को
इजाज़त नहीं मिलती इसकी वीडियो बनाने की। आपने देखा होगा पूरी वीडियो में कि हम ही सिर्फ दो जने थे, मैं और दीपांशु भाई, और साथ में अमन भी था। अमन तो कम घूम रहा था, हम दोनों ज़्यादा थे, हर जगह जा रहे थे, हर जगह आ रहे थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। थैंक यू सो मच सर, आपने जितना भी हमारे लिए किया और हमारी वीडियो के लिए जितना भी किया, थैंक यू सो मच। और ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सो गाइस, कैसा लगा यह ब्लॉग आपको, कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ब्लॉग आपको। मिलेंगे जल्दी अच्छी नई सी एक वीडियो में। रोम रोम जी।